उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना कोतवाली भिनगा के भकला के पास बहराइच भिनगा मार्ग के नेशनल हाईवे पर किसानों ने कृषि कानून बिल के खिलाफ एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने फोर लेन को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कई घंटे तक चले ये जाम के कारण कई किलोमीटर तक एक लंबा गाड़ियों का रेला लग गया। वहीं इस बीच एम्बुलेंस को भी काफी दिक्कत उठानी पड़ी। साथ ही किसानों ने एम्बुलेंस को रास्ता तो दे दिया, लेकिन जाम के कारण वह कई घंटों तक जाम में फंसी रही। वहीं इस मौके पर धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही किसानों की मांग थी कि 4 महीने हो गए हैं, किसानों का धान का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि सरकार 72 घंटे में भुगतान का दावा करती है। वहीं किसानों के धान के पैसे से सरकार चुनाव लड़ रही है। सरकार को हर हालत में कृषि कानून के तीनों बिलों को वापस लेना होगा, वरना हम घरों को लौटने वाले किसान नहीं हैं, बल्कि धरने पर बैठे रहने वाले किसान हैं। वहीं पुलिस ने और जिला प्रशासन ने किसानों को समझा बुझाकर ज्ञापन लेकर इस धरने को समाप्त किया। नेशनल हाईवे को जाम किया के क्या कारण था इसका? पहला क्रम में मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा श्रावस्ती। ये राष्ट्रीय आह्वान था, भारत बंद का आह्वान था, इसलिए जो है हम लोग भारत बंद करने के आह्वान पर हम लोग अपना संगठन इकट्ठा हुआ और बंद करने का प्रयास किया गया। पूर्ण रूप से हमारा भी ये विचार है कि किसान की बात सुनी जाए। सरकार कहती है कि किसान यहाँ मुट्ठी भर है दिल्ली में, और सारा किसान जो है हमारा अपना खेत काम कर रही है, हम खेती का भी काम कर रहे हैं, और जो बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसान भाई उनका पूर्ण रूप से समर्थन के साथ बैठे हैं। अगर आवश्यकता पड़ता है तो दिल्ली जाने के लिए फिर तैयारी हम कर रहे हैं। अखंड भारत न्यूज़ के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट, श्रावस्ती।